अगर आप चैनल पे न्यू हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बहुत मज़े के व्लॉग्स आते हैं। तो अगर आपने क्वालिटी कंटेंट और फनी कंटेंट देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। समझ गया। हेलो जी, तो आज है सेकंड रमज़ान, तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी मैं गया था बाल कटवाने के लिए, वहाँ पर मुझे एक स्नेक वाला भाई मिल गया। भाई साहब उसके पास एक स्नेक था बड़ा सा, इसको कहते हैं पाइथन, इस टाइप को कहते हैं, थोड़ा सा डेंजरस भी था। उसने उसका जहर तो निकाला हुआ था पर फिर भी मुझे हाथ लगाने से बहुत डर लग रहा था, तो आपको भी दिखाता हूँ, देखिए। ये आपने कहाँ से पकड़ा था? भावनगर से। ये काटता काटता तो नहीं है? नहीं, पक्की बात। डर गया ही। इसके दांत निकाल दिए आपको? आपको तो नहीं कभी किसी सांप ने काटा? आज तक नहीं काटा? नहीं। वैसे बड़ा खतरनाक काम होता है। बात तो सही है। आप हाथ में पकड़ के देखें, हाथ में आप नहीं पकड़े, पकड़ के दिखाए हाथ में, पकड़ ले। डर गया ही। डांग कहते निकाला हुआ इसका, पक्की बात है ना, इसमें जहर नहीं है। आप पकड़ के देखें, राशिद भाई पकड़ के देखें, कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं ले। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, नहीं पकड़ के तो देखें। वाह वाह, बड़ी ताकत है। डर तो नहीं लग रहा? नहीं डर गया लग रहा। पहले तो डर रहे थे। नहीं मारेगा डर। चलो थोड़ी सी वीडियो बना रहा, मैं पकड़ता हूँ इसको। चालू है? हाँ चालू है। नहीं नहीं छोड़ना मत। इसका नाम क्या था आपको पता है? कौन से दमोई? अच्छा, इसमें जहर काफी। बस सही। अभी बाल बाल कटवा के आया हूँ वहाँ पे, वो सांप वाला मिल गया था भाई, तो मतलब मैं डर भी रहा था। वो जानने वाला हमारे साथ था राशिद भाई, वो हमारा सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो वो भी डर रहा था। उसका मैंने कहा हाथ लगाओ, पहले डर रहा था लेकिन उसने बाद में टच किया था स्नेक को, ठीक है। तो अभी जोहर का टाइम है तो अभी नमाज पढ़ने चलते। रमजान आया रोजा रखो, कहाँ से आते जी? तो जल्दी चलते हैं, अब हमने वजू वगैरह कर लिया, अब नमाज पढ़ने चलते हैं। भाई साहब वो सांप जो था ना, ऐसे बंदे को डर लगता है, हालांकि उसका उसने जहर निकाला हुआ था लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं इसके अंदर कोई ना कोई जहर बाकी ना बचा, ये ना अभी ऐसे करके डंग मार ले, मतलब फिर इंसान को डर तो लगता ही है। तो बात तो सही है। गली में इस टाइम कोई भी नहीं है, लोग मस्जिदों में गए होंगे, मस्जिद में काफ़ी रश होगा, दिखाते हैं आपको। अभी मैं मानी को बुलाने के लिए आया हूँ, मुझे लगता है कि उस्मान भी नमाज पढ़ने के लिए पहले ही पहुँच गया, तो चलते हैं। मौसम चेक करें फिर से, बादल आ रहा। मनसा मैं आपको बुलाने के लिए बैल बजाई लेकिन आप तो पहले भी सही मस्जिद में थे, देख लो मुसलमान हो गए मतलब। उस दिन मैं बुला के ले आया मानी, नहीं आज अच्छी बात है, आज मानी साहब खुद ही पहले मस्जिद में। हाँ तो यार अभी ना हमने डिसाइड किया कि हम रात को खेलेंगे कैरम बोर्ड मानी की छत पे और चाय पियेंगे वहाँ पे, सारे खप शप डालेंगे, मजा आएगा। तो उससे मेरा क्या फायदा, ठीक है। और अभी मुझे एक काम है यार, फिर उसके बाद बच्चे आएंगे घर पे, उन लोगों से अपनी मुलाकात करवाएंगे। अभी फेस भी ड्राई हो रहा है, कोई वैसलीन वगैरह लगाते हैं, ठीक है। भाई साहब मैं भी अभी नाकाम कोशिश कर रहा हूँ डाइट करने की लेकिन पता नहीं है होगी या नहीं। कल रोल बना लिए घर में जब मैं डाइट कर रहा था, फिर मैंने खा लिया डाइट टूट गई। तो आज कोशिश करूँगा कि इफ्तार टाइम अपने पेट पे कंट्रोल रखूँ, ठीक है। तो देखते हैं आज क्या बन रहा है, आज समोसे बन रहे हैं लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना खाऊँ पक्का। ये देखें जी, यहाँ पे जो है समोसे बनाने की कोशिश की जा रही है, पता नहीं अब कैसे बनते हैं, ये तो शाम को ही पता चलेगा इफ्तार के बाद, कोशिश की जा रही है। देखें तो अभी हमने वजू कर लिया, तो अब चलते हैं असर की नमाज पढ़ते हैं। 5:04 हो गए हैं, 5 बजे जमात थी, जमात शुरू हो गई होगी, जल्दी चलते हैं।
कैसे हो तुम? हाजी बन गए हो, नमाजें पढ़ने लग गए हो, खैर है। एक महीना होता रोजूंगा। तौबा कर ली है सारे गलत कामों से? सब गलत कामों से तौबा कर ली है। टोपी कितने? टोपी मस्जिद दी। मस्जिद दी हाजी बन के फेर रहा है। तेनू वैसे कैद होना चाहिए सी, तू इतने फेर रहा हूँ। दुल्ला सुपारे भी आए हो? मेरे प्यारे दोस्त को कहाँ लेके फेर रहे हो? कहाँ जा रहा है ये? चलो आ जाओ उधर। मोई मोई आपने रोजा नहीं रखा? नहीं। ये देख बात सुनो, आपने रोजा रखा है? रखना है। क्यों नहीं रखा रोजा? तुझे क्या प्रॉब्लम है? इसको भूख लग जाती है, छोटू सा है इसलिए नहीं रखा अभी रोजा। आपने रखा है रोजा? आपने रखा है? मैंने कल रखा। आपने भी? आप लोगों ने? चलो बच्चों ने रखे हुए रोजे। आपके दांत तो आ रही है। ये फातिमा खड़ी हुई है। चलो आप सारे आ गए, सारे आ गए। हाँ ठीक है सब आ गए वीडियो में। ये मोहित नहीं रखता? मोहित क्यों नहीं रखा आपने रोजा? हैं कर दो है। ये सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इनकी भी पोजीशन आई है क्लास में, इनकी भी पोजीशन आई है, इन सब की पोजीशन आई है। बच्चों की मौजें होती हैं भाई, चिल लाइफ होती है, ना कोई टेंशन होती है। बात तो सही है। ऐसे अभी आजकल तो मेरी लाइफ भी चिल है, कोई टेंशन नहीं। तो यार अभी हम जा रहे हैं फुटबॉल खेलने के लिए, लेकिन सच बात यह है कि इस टाइम सबके पेट खाली होते हैं और ऐसे खेल जाते हैं जैसे मरे पड़े, बिल्कुल स्लो मोशन में भाग रहे होते हैं और मतलब सब थके होते हैं ना इस टाइम, ये वजह होती है इसलिए। तो चलते हैं फिर, थोड़ा सा वहाँ पर क्लिप्स एक दो बनाएंगे और लोगों से बात भी करेंगे। तो भाई साहब ये हैं पकौड़े, ये फ्रूट चाट है, साथ में है समोसा, ठीक है छोटे छोटे समोसे हैं और हैं लेकिन मज़े के। मैंने थोड़ा सा खाया सिर्फ थोड़ा। अरे ये अमीरों वाली स्ट्रॉबेरी, ठीक है आज हम ऐसे टूथपिक में लगा के खा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अमीर बने। ये मैंने आधी खाई है सिर्फ, आज मैं सिर्फ दो खाऊंगा, कल से ख़त्म करता हूँ। आज मैं सिर्फ दो पकौड़ास खाऊंगा, ठीक है आज थोड़ा कम, आहिस्ता आहिस्ता लेवल जीरो पर ले। तो भाई साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी इफ्तारी हो गई है, तो बहुत अच्छी इफ्तारी हो गई है। तो अब हम जल्दी से, मैंने जाना है जिम, जिम के लिए निकलते हैं, 10 मिनट में हम जिम पहुंच जाएंगे, ठीक है उसके बाद वहां पर जिम करेंगे और फिर आकर बाकी रोटी बाद में खाएंगे, बिकॉज अभी मैंने पेंडिंग रखी हुई है, वरना जिम नहीं होगा अगर मैंने अभी रोटी खा ली। तो यार अभी चलते हैं जिम, ठीक है अब मैं कपड़े नहीं चेंज कर रहा, बिकॉज अभी मैं फुटबॉल खेल के आया था, फिर कपड़े चेंज किए, अब नमाज़ पढ़ी, अब नहीं, अब ऐसे ही चलते हैं, कमीज सलवार में जाके जिम करते हैं। तो चलते हैं। तो जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।